हेलो डियर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका साथ है गणन। इस वीडियो में हम लोग क्लास, ये वीडियो जो है क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए हिंदी का वीडियो होगा। और हिंदी में किस टॉपिक का वीडियो तब को समझ गए, समास का। इस वीडियो में अब तक 2022 तक जितना भी समास से प्रश्न पूछे हैं, सारे के सारे प्रश्न का हल भी करेंगे। समास पढ़ेंगे नहीं, इसको हम कुछ ट्रिकली तरीका से समझेंगे भी। देखिए, समास पहले होता क्या है, जिन्हें समझ लेते हैं। समास होता क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द हम क्या समास कहते हैं, ठीक है। देखो, संधि में क्या होता है, संधि में हम लोगों का वर्णों का मेल होता है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का मेल होता है। किसका होता है, शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर दो शब्द, जैसे मान लो कि यहाँ पर बन गया हम लोगों का जीवन मरण, यहाँ पर ये समास हो गया। यहाँ पर दो शब्द आ गए, तो जब दो शब्द आ गए, इसे आ जाएगा हाथों हाथ, हाथों हाथ। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, तो ये भी क्या है, समास हो गया। दो शब्द आ गए, जहाँ पर दो शब्द या दो से अधिक शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक और परिभाषा होता है कि अनेक पदों का मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। परिभाषा बहुत सारी है, तरीके से दे सकते हैं, जैसे इच्छा हो दे सकते हैं। देखिए, समास का आपको एग्जाम पूछता है कि समास से कितने भेद होते हैं, सब प्रश्न पूछता है। तो समास से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन प्रश्न होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 समासों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और हाँ, जितना भी अब तक आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं, सारा के सारा खत्म हो जाएगा। एक पहले प्रश्न यहाँ से कर ले। पहला जो क्वेश्चन आता है हम लोग आता है कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। तो संधि हम लोग पढ़ते हैं कि दो वर्णों के मेल से यहाँ से एक क्वेश्चन पहले कर ले रहे हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, ठीक है, संधि कहते हैं। ये तो हो गया। यहाँ जैसे दे देंगे, जैसे में रमा जोड़ ईसा बराबर क्या बनेगा, रमेश। क्या बना हम लोग का, रमेश बनेगा। एक संधि की एग्जाम्पल हो गया, संधि हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, समास हो गया। समास को लिख देंगे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक को समास कहते हैं। या एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि अनेक पदों का मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है, ठीक है। अब समझेंगे सारी समास को एकदम धीमा धीमा, स्लो मोशन में, जैसे गाना सुने ना उसी प्रकार से। अव्ययी भाव समास, अव्ययी इसके नाम में इस तरह से छुपा हुआ है, अव्ययी भाव, यानी कि वैसा समास जो अव्यय का भाव प्रकट करता है, वैसा समास जो अव्यय का भाव प्रकट करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। या इसको परिभाषा के रूप में लिखे, जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, तथा प्रधान भी होता है। इसका पहला पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो किस समास का, अव्यय भाव समास। किसका, अव्यय भाव समास का पहला पद का प्रधान होता है। हो गया। इसके पहचाने का ट्रिक क्या है, पहले सारे समास पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बैंक है, हम आपके सामने क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं, ये पूरा के पूरा आज खत्म भी करा देंगे इसी वीडियो में। तो अब आप अव्यय भाव समास समझिए, जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है या प्रधान होता है, उसे भाव समास कहते हैं। इसका पहचाने का तरीका क्या है, इसका पहचाने का तरीका है कि इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, यानी कि उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग। उपसर्ग हमको आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें देखिए उपसर्ग 22 को होते हैं। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। जिस हमने बोला प्रतिकूल, इसमें क्या लगा है, प्रति जोड़ कुल, यानी कि प्रति जोड़ कुल, यहाँ पर जो प्रति लगा है क्या अव्यय है, क्या अव्यय है। यथासंभव, यथासंभव यानी कि यथा एक क्या है, प्रत्यय है। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, ये भी क्या है, तो ये भी आपका क्या है, तो आपका एक जितना भी दिख रहा है सब के सब क्या है, अव्यय है। प्रथा, यथा, प्रति, जितने ही सब क्या अव्यय होते हैं, ठीक है। जैसे आजन, ये भी क्या है आपका, तो ये भी आपका क्या है, तो आ भी आपका क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। उपसर्ग या अव्यय आपका पहला शब्द दिख गया, आपका प्रश्न में पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग दिख गया, तो क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे अव्यय भाव समास। क्या हो जाएंगे, अव्यय भाव समास। इस बात को ध्यान दें, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं जरा सा इसमें, एक बात है नोट कर लेना कि जब एक ही शब्द कई बार बार आते हैं, जब एक ही शब्द बार बार आए तो या कई बार आए तो उस अव्यय भाव समास। जैसे में कि रातों रात, हाथों हाथ,
दिनों दिन ये जो भी आएंगे एक में ये मिला हुआ रहेंगे, एक में से मिला हुआ रहेगा, ये हाइफ़न नहीं रहेगा, ये मिला हुआ रहेगा रातों रात हाथों हाथ, ये सब के सब के समास होते हैं तो अव्यय भाव होते हैं। कैसे होते हैं? अव्यय भाव समास। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब के सब कैसे समझते हैं? अव्यय भाव समास। जब कोई दो शब्द बार बार आए तो उस समास को क्या नाम देंगे? उसका नाम होता है अव्यय भाव समास, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष जिस समास का अंतिम पद, जिस समास का अंतिम पद या दूसरा पद, जिस समास का अंतिम पद या दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। या इसका एक और तरीका है इसका पहचानने का कि जिस समास के दोनों पदों के जब विग्रह होता है तो उनके बीच कारक चिन्ह आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। सारी बातें लिखी हुई है कि जिस समास का अंतिम पद या दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह छुपा रहता है। जब तत्पुरुष समास को इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको मेन पहचानने का तरीका क्या है कि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो इनके बीच, जब इनके हम समास को तोड़ेंगे विग्रह करेंगे तो इनके बीच जो होगा वो कारक चिन्ह आएगा। कारक चिन्ह कितने हैं कि 6 कारक चिन्ह आएंगे। जैसे पुस्तकालय है, इसका दूसरा पद क्या होता है? छोटा होता है। क्या दूसरा पद क्या होता है? छोटा होता है। हम इसका परिभाषा लिखा वो ट्रिक मिलता है। इसका मेन पहचानने का तरीका क्या है कि इसको तोड़ेंगे तो बीच में क्या है? कारक चिन्ह है। इससे हमने देखो पुस्तकालय है तो यानी पुस्तक का आलय, यहाँ पर एक बीच में का आया है और काय क्या है तो का के की आपका एक कारक चिन्ह है। पाठशाला यानी कि पढ़ने का शाला यानी पढ़ने का कार्य, यहाँ पर भी का आया है तो ये भी क्या हो गया? तो एक हो गया क्या चीज? तत्पुरुष समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, यहाँ पर भी का आया है, यहाँ पर भी क्या है? का आया है। तो ये क्या हो जाएंगे? जहाँ पर विग्रह होगा समास को वहाँ पर यदि आपको कारक चिन्ह दिखेगा तो तत्पुरुष होगा, एकदम कन्फर्म, ठीक है। जिसे पद पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त करने वाला, पद को यहाँ पर खुद लगाए को भी क्या कारक चिन्ह है, को भी क्या कारक चिन्ह है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपका? तो तत्पुरुष हो जाएंगे। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर मेय लगाए मेय अधिकरण में पर, ये भी आपका है कारक चिन्ह है, तो ये भी आप क्या हो जाएंगे? तो आपका हो जाएंगे तत्पुरुष समास। यानी कि समझ जितना भी कारक चिन्ह लगेगा वो सब के सब तत्पुरुष हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद, याद कर लेना। तत्पुरुष समास के टोटली 6 भेद होते हैं। पहला क्या चीज? कर्म कारक, सॉरी कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष, प्रदान तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष। और देखो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा थे कि पद प्राप्त, पद को प्राप्त करना है, को लगा है तो को कौन सा होता है? तो आपका होता है कौन सा? आपका कर्म तत्पुरुष होता है। कौन होता है? कर्म तत्पुरुष। से जो होता है आपका, जब कोई चीज़ को तोड़ेंगे विग्रह करेंगे तो वहाँ पर से आएगा, तो से का लोप होता है तो वहाँ पर ये कौन सा होता है? तो वहाँ पर होता है कौन? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। यदि हम कहीं तोड़ रहे हैं वहाँ पर के लिए आता है, क्या आता है? के लिए, तो वहाँ पर कौन तत्पुरुष हो जाएगा? हम लोग का संप्रदान तत्पुरुष। यदि हम करें तोड़ रहे हैं और से आ रहा है लेकिन वो किसके लिए? अलगाव के लिए आ रहा है। ये से आता है किसके लिए? जुड़ाव के लिए, लेकिन यहाँ पर से क्या आ रहा है? अलगाव के लिए। तो जहाँ पर से अलगाव के लिए आएगा तो हम बोलेंगे कौन सा तत्पुरुष है? अपदान तत्पुरुष है। जहाँ पर का के की काका हो काकी हो जाएगा का के की, तो हम लोग क्या बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष है। कौन तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष। सारी बात को ध्यान समझिएगा। जहाँ मे पर आ जाएगा ये कौन तत्पुरुष हो जाएंगे? तो ये तत्पुरुष हो जाएंगे कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अधिकरण तत्पुरुष हो गए। ये सारे तत्पुरुष हमने पढ़ लिया। इसको यार डीपली नहीं पढ़ना, इतना हमको एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछता उतना डीपली में। यदि पूछ देगा कि यहाँ पर को जो होगा इस जिसे कह देगा कि राजपुत्र राजा का पुत्र, इसमें कौन सा तत्पुरुष है? वहाँ पर जो डीपली देता है तो राजा का पुत्र का लगा है यानी कि संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम यानी उसको विग्रह जब करते हैं तो मे लगता है, यानी कि मे लगा है दोस्त, तो हम लोग का मे यानी कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन है? अधिकरण तत्पुरुष। तो उस समय इसका यूज होता है, तो इसलिए ये भी आप लोग याद कर ले। अब आते हम लोग कर्मधारित समास में। कर्मधार जिसमें कर्म प्रधान होता है वह समास जिसमें कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है, उससे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसकी परिभाषा भी हो सकता है कि जिस समास में कर्म प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? या तथा प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण
विशेष्य का संबंध होता है उसमें क्या कहते हैं क्रमधारय समास कहते हैं। इसको एक और परिभाषा हम सिंपल याद करेंगे कि जिस समास क्रमधारय कि इनमें जिस समास में क्रम की प्रधानता उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर और इसका देखो मेन पहचानने का तरीका क्योंकि हमें एग्जाम में परिभाषा तो आएगा नहीं, हमको आएगा पहचानना है कि ऑप्शन दे इनमें से कौन क्रमधारय समास है। क्रमधारय का मेन पहचानने का तरीका यही है कि देखो पहचान तरीके इसमें क्या है, जब इसको विग्रह किया जाएगा तो इसमें क्या लगेगा, इसमें हैजो लगा होगा या के समान, हैजो या के समान, हैजो या के समान। जब इसको विग्रह किया जाएगा इसमें क्या होता है तो इसमें हैजो लगा रहेगा। और भी इसका है कि पहला पद क्या होगा विशेषण होगा, और भी इसका रूल है वो पहचानने का कि पहला पद क्या होगा इसका विशेषण होगा, क्या विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना होती है। और हाँ इसमें क्या होता है कि दूसरा पद का तुलना किया जाता है, जैसे कि देखो इसमें पहला पद विशेषण होता है दूसरा पद की तुलना किया जाता है, या यदि उससे भी नहीं पहचानते इसका तीन नियम होते पहचानने का, एक दो और तीन। पहला पद क्या होना चाहिए विशेषण होना चाहिए, दूसरा दूसरे पद की जहाँ पर तुलना हो, दूसरे पद की जहाँ पर तुलना हो, तीसरा विग्रह करने पर हैजो आए या के समान आए तो क्या बोलेंगे कर्मधारय समास है। अब देखो दोस्त जरा से यहाँ समझेंगे हम लोग, महान पुरुष, महान महापुरुष को हम लोग विग्रह करेंगे तो महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। यह देखो इसमें बात यही करें जरा सा, तो महा महा मतलब क्या होता है कि विशेषण है, और यहाँ पर किसी दूसरे पद की तुलना होती है, किस ये हम लोग का दूसरा पद हो गया, ये हो गया पहले का हो गया दूसरा, यहाँ पर महान है पुरुष यानी किस की बात हो रही है तो पुरुष की यानी दूसरा पद की बात हो रही है, तो जहाँ पर दूसरा पद की बात होती है तो कौन समास होता है क्रमधारय समास। मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, के समान नयन, मृग के समान नयन, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी के समान आ गया, तो यदि इसको विग्रह करेंगे के समान या हैजो आता है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कौन समास है क्रमधारय समास है। अगला हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या है चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कमल के समान जो चरण है यहाँ पर भी के समान आ गया, यदि हमको विग्रह करने पर के समान आए हैजो आए तो बोलेंगे वो कौन सा समास होगा क्रमधारय समास, कौन सा क्रमधारय समास। मुख चंद्र यानी कि चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। लोह, लोह पुरुष यानी लोहा के पुरुष, लोहा के पुरुष, इनको लोह पुरुष ठीक है, लोहा के समान पुरुष, ये जहां पर के समान आए या है जो आए तो बोलेंगे क्रमधारय समास है ठीक है। अब देखो द्विगु समास, द्विगु समास को संख्यावाचक समास कहा जाता है, इसका पहला पद क्या होता है संख्यावाचक होता है, जिस समास का पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं ठीक है। जिस समास का पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसका पहचाने का ट्रिक क्या है, पहचाने का ट्रिक क्या है कि पहला पद क्या होगा संख्या होगा, देखो पंच, पंच मतलब पाँच, चौर मतलब चार, त्रि मतलब तीन, चतुर मतलब चार, यही देखो पंच चौर त्रि पंच षष्ठ अष्ट ये जितना भी आता है नवरात्र पंचपात्र पंचानन जितना भी आएगा संख्यावाचक तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे द्विगु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे द्विगु हो जाएंगे। जैसे देखो पंचानन तो पांच अन्नों का समूह, ये तो हम इसका विग्रह करते पांच संख्या है, यहाँ पर चौर है चार राहु का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, तो ये सब के सब क्या होते हैं ये सब के सब होते हैं पर द्विगु समास हो जाएंगे, जहाँ पर संख्या की बात होगी वहाँ पर क्या आएंगे द्विगु समास। अगला हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है तो जिस समास का दोनों पद क्या होता है प्रधान होता है, इसके दोनों पद प्रधान होता है लेकिन विग्रह करने पर, विग्रह करने पर जिसका दोनों पद क्या होता है प्रधान होता है और इसको विग्रह जब किया जाता है और आएगा अथवा आएगा या आएगा एवं आएगा इत्यादि आता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ऐसे समझाना जिनके बीच में हाइफन होता है इसका मेन क्या होता है, जिनके बीच में क्या होता है हाइफन होता है, या इसका देखो मेन पहचाने का ट्रिक क्या है इनके बीच में क्या होता है हाइफन होता है, क्या होता है हाइफन होता है, जिससे कहते हैं पाप बीच में हाइफन लगा हुआ है, दिन रात इसमें हाइफन लगा हुआ है, माता पिता हाइफन लगा हुआ है, भाई बहन माता क्या लगा हुआ है हाइफन लगा हुआ है। और इसका दूसरा क्या ट्रिक है पहचानने का, एक दूसरे का विलोम शब्द होते हैं, क्या होता है विलोम शब्द, जिससे पाप क्या होता है पुण्य, दिन क्या होता है रात, माता क्या होता है पिता, भाई क्या होता है बहन होता है, तो यानी दूसरे का होता है विलोम होते हैं, दूसरा क्या इसका पहचानने का नियम है एक दूसरे का विलोम होते हैं ठीक है, एक दूसरे क्या होता है विलोम होते हैं। जैसे कि देखो इसको विग्रह कहते हैं पाप पुण्य, पाप और पुण्य विग्रह करने पर दिन और रात, माता और पिता यहाँ पर भाई बहन का, भाई और
वन, यानी कि यदि विग्रह किया जाता है तो ये इस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, अब मेन हमको आता है बहुव्रीहि। देखो बहुव्रीहि भाई बड़ी हमको दिमाग खराब होता है, लेकिन बहुव्रीहि में एक बात समझ लो कि एक चुटकी समझ जाओ तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसका कोई पद प्रधान ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो इसे हमने लंबोदर लिखा है, क्या लिखा है लंबोदर, क्या लिखा है हमने लंबोदर लिखा है, तो लंबोदर तो लंब उदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, तो लंबा किसका उदर होता है गणेश का, किसका होता है गणेश का, लंबोदर किसका होता है गणेश का होता है, गिरिधर गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, कह देगा बंसीलाल बंसी को बजाने वाले यानी कौन है कृष्ण हो जाएगा, दशानन देखो यही मीन बहुत काफ़ी इसको इतना इम्पोर्टेंट कहो मत, कहेगा कि भैया हमको यहाँ पर दशानन दिया गया है, दशानन तो दस यहाँ पर आया है, ये तो भाई हो गया क्या चीज, ये हो गया संख्या, तो इस बात बताए हैं कि संख्या वाचा रहेगा तो हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन याद करना एक इसका मेन ट्रिक है बहुव्रीहि का, याद कर जाओ तो बड़ी याद नहीं समझ जाओ, जितना भी देवी देवता आएंगे, जितना भी देवी देवता आएंगे गणेश शंकर विष्णु पार्वती महेश जितना भी आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे बहुव्रीहि, जितना देवता वाले आएंगे। तो ये बताओ कि रमण वो तो देवते ना है भाई, उसका भी पूजा होता है, उसका भी क्या होता है पूजा होता है, यानी कि दशानंद दस हैं जिसका आनंद, यानी कि दस वो सिर किसका था रावण का, दस वो सिर किसका था रावण का, यानी कि वो रावण का, और रावण क्या है भगवान है, रावण का कौन है भगवान है, कहाँ का श्रीलंका का, उसमें बहुत वहाँ पूजा जाता है। तो हम लोगों ने बहुव्रीहि को किस प्रकार पकड़ेंगे, तो जितने भी देवी देवता हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे बहुव्रीहि समास। अगला एक समास का अन्य भेद पूछता है नैय समास, बड़ी समझ जा, जिसके पहले अ लगा हो, जिसके पहले क्या लगा हो अ लगा हो, वो सब के सब क्या होता है नैय समास होता है, जिस समास के पहले क्या होता है न लगा होता है वो क्या होता है नैय समास, अ लगा होता है वो क्या होता है नैय समास, अनपढ़ यहाँ अ लगा है इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो नहीं पढ़ा हुआ, अन्याय मतलब न न्याय या नहीं न्याय। तो देखो ये जितना हमको दिख रहा है जिसके आगे अ लगा रहेगा सब के सब क्या हो जाएगा नैय समास। ठीक है, हम लोगों ने पूरा के पूरा पढ़ लिया, अब हम लोग इसको क्या करते हैं तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जितना अब तक क्वेश्चन पूछा गया है 2000 कितना से 2022 तक क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग कर भी लेंगे। देखिए हमारे पास ये टारगेट गाइड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हिंदी के, और हिंदी में हम लोग क्या पढ़ने समास पढ़ें तो समास क्वेश्चन से निकालते हैं। यहाँ पर हमने देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर समास ले लिए हैं, क्या लिए हैं समास, अब करें कि त्रिफला किस समास का उदाहरण। देखो पहले इसका त्रिफला, त्रिफला त्रिफला दिया गया भाई, हमको त्रिफला दिया गया है यानी कि त्रि मतलब तीन यानी संख्या आ गया, तो संख्या जब भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा द्विगु हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विगु हो जाएगा, यानी देखो पहला आपका आंसर सही है द्विगु समास पहला का सी। दूसरा देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी किसको कहते हैं, विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला, यहाँ पर को लगा है, क्या लगा है को लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा का के की को, जो भी अब कारक चिन्ह आ गया वो सब के सब का होते हैं तत्पुरुष होते हैं, क्या होते हैं तत्पुरुष नहीं विद्यार्थी है जी, विद्यार्थी विद्या से देखो विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला यानी कि विद्या को ग्रहण करने वाला, यानी कि देखो यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है यहाँ पर कर्म की, तो यहाँ पर हम लोग विद्या, विद्या क्या कर्म है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधार हो जाएगा। तुलसी लिखित यानी कि तुलसी द्वारा लिखा गया, तुलसी के द्वारा लिखा गया यानी कि तुलसी के लिखा गया, यानी अब क्या हो जाएगा तत्पुरुष, के लिए बताए थे जहाँ पर के लिए हो या के द्वारा हो तो क्या होता तत्पुरुष होता है। सुपुरुष, सुपुरुष ये भी अब क्या हो जाएंगे, तो ये भी देखो सुपुरुष जो है तो यहाँ पर सुपुरुष इसको हम तोड़ेंगे तो दो भागों में टूट जाएगा आपका, एक हो जाएगा कैसे आपका सुपुरुष, चलो सुपुरुष पर ध्यान रखें, सुपुरुष का क्रमधारय हो जाएगा, इन सु का होता है कुछ होता है लेकिन इसको क्रमधारय में आएगा क्योंकि पुरुष की बात हो रहा है तो पुरुष कुछ है होगा यानी कि उसके कर्म की बात हो रहा है, पुरुष से कुछ कर्म की बात हो रहा है यानी क्रमधारय हो जाएगा। देखो सेनापति, सेनापति सेना का पति, सेना का पति का लग गया यानी जब भी आपका का लग गया सेना का, तो सेना का मन बीच में का आ गया अर्थात बोल सकते हैं हमको यहाँ का आ गया, कोई कारक चिन्ह आ गया कारक चिन्ह आता है तो पुरुष होता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हम इसी प्रकार से सारा के सारा क्वेश्चन, दही बाड़ा,
दही बड़ा गया, या दही बड़ा का क्या होता है, तो दही का बड़ा, दही का बड़ा, तो का लग गया दही, इसमें भी का लग गया, तो जहाँ पर का लग गया तत्पुरुष हो गया। लंबोदर ही पढ़े, लंबोदर किस समाज से, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं, यानी गणेश जी कहाँ आएंगे, तो बहुब्रीह में, जितना ही भगवान होंगे सबके सब कहाँ आ जाएंगे, बहुब्रीह में। दस मुख किसका था, दस मुख किसका था, रावण का, तो इन दस मुख किसमें आ जाएंगे, तो कर्मधारय में, तत्पुरुष में, बहुब्रीह में, दिगु में, तो किसमें आ जाएंगे, बहुब्रीह में, क्योंकि रावण का दस मुख था, रावण क्या था, भगवान था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाकिट मार, नहीं अभी यहाँ पर है, अध्यापक अध्यापिका, यहाँ पर दो वर्ड आए हुए, तो बताया था जहाँ पर दो गुआएगा क्या हो जाएगा, द्वंद्व, उसका मेन क्या पहचान, उस बीच में हाइफन होनी चाहिए। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला, यहाँ पर को लग गया, तो जब को लग गया यानी क्या हो जाएगा, जब को लग गया तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, यानी पाकिट मार तत्पुरुष आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो सबको सब आंसर भी दिया हुआ है, टोटली आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, जहाँ पर है जो लगा हो या के समान आया हो तो क्या होता है, कर्मधारय होता है, यानी कि महात्मा क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा, क्या कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आए यहाँ पर न्यायालय, देखो न्यायालय, न्याय का आलय, न्यायालय में क्या होता है, न्याय का आलय, न्याय का आलय, यानी भाई हमें का लगा हुआ है, तो का लगा होता हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। हरफन मौला, यानी हरफन मौला, हरफन का मौला, मौला मुलबी उलवी को बोलते हैं, हरफन का मौला, यानी क्या हो जाएगा, हरफन मौला, अर्थात भी तत्पुरुष हो जाएगा। ऋषि मुनि, यहाँ पर दो वर्ड आए हुए हैं, क्या वर्ड आए हुए हैं, दो गो, यानी कि ऋषि और मुनि, यहाँ पर दो गो आए, यानी क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। इसका मेन पहचान क्या, हाइफन, क्या है, हाइफन। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, हमने आपको करीब 20 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा जो भी सब कुछ होंगे। विश्वम्भर, विश्वम्भर, विश्व का अंबर, यानी इसका क्या हो जाएगा, का लग गया तो तत्पुरुष हो जाएगा। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, यहाँ भी का लग गया तत्पुरुष हो जाएगा। देखो ध्यान से देखते जाओ, आंसर मिलते जाओ, तुम कहोगे नहीं। हाथ, अब सप्तऋषि, सप्तऋषि, यहाँ पर सप्त लग गया, यानी कि सात लग गया, क्या लग गया, सात, और सात क्या है, संख्या है, तो संख्या में क्या होते हैं, दिगु, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाथों हाथ, ये हमने आपको नोट में लिखवाए थे, देखो नोट में हमको लिखवाए हैं कि यदि आपको कोई दुगो आ जाएगा वर्ड एक के संग, यानी हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके होते हैं अव्यय भाव होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, सप्तऋषि, ये हाथों हाथ आपका अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर किस समास को बनाना है, पीताम्बर, ये पीताम अम्बर, ये पीताम्बर विष्णु को बोला जाता है, यानी कि भगवान है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा कौन सा, बहुब्रीही, क्या हो जाए, बहुब्रीही। अगला क्वेश्चन है शतु, विस्तम कर लिया ना, तो देखो ऐसी क्वेश्चन आप सारा के सारा कर सकते हैं, और करने के बाद एक बार जरूर हमसे बताना कि ये नहीं बन रहा है। सदुपदेश, सदा उपदेश, यानी कर्मधारय हो जाएगा। तत्पुरुष समास है इनमें से कौन, तत्पुरुष मतलब क्या होता है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष उसे कहा जाता है जिनको विग्रह करने पर का के किया है, शताब्दी, ये तो का हो जाएगा दिगु समास। चौमास है, चौ मतलब चार, भाई बहन, तो द्वंद्व है। पद प्राप्त, यानी पद को प्राप्त करने वाला, यानी यहीं पर डी नंबर आंसर हो जाएगा। दस आनन है, जिसका अर्थात दस आनन, रावण कौन सा समास है, रावण कौन, बताइए ना, रावण देखो जो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रावण कौन समास हो जाएगा आपका, बहुब्रीह समास, कौन हो जाएगा, बहुब्रीह हो जाएगा। गजानन की समास, गजानन किसको बोलते हैं, तो गणेश को बोलते हैं, और गणेश क्या है, भगवान है, यानी गणेश जी को हम कहाँ डरेंगे, कहाँ पर, बहुब्रीह में, कहाँ पर, बहुब्रीह में। चरण कमल में समास कौन है, चरण है जो, चरण कमल, चरण कमल के समान है, चरण कमल के समान है चरण, तो बताइए कमल के समान, के समान या है जो लगा होता है, तो क्या होता है, कर्मधारय होता है, क्या कर्मधारय हो गया ये, बल्कि घुड़सवार, घोड़ा का सवार कर, घोड़ा मतलब घुड़सवार किसको बोलते हैं, जो घोड़े का सवार करता है, तो घोड़ा का सवार करने वाला, यानी तत्पुरुष, क्या हो जाएगा इसका, तत्पुरुष हो जाएगा। चतुरानन, यहाँ देखो चतुर लगा है, चतुर में क्या होता है, चार, चतुरानन, चतुरातन है जी ना, चतुरातन आपका है, तो चतुरातन मतलब होता है जिसका चार गो अन्न होता है, चार गो अन्न किसका है, तो शायद किसी भगवान के, किसी गॉड के हैं, ध्यान नहीं आ रहे, ये भी बहुब्रीह हो जाएंगे। चौराहा, चार राहों का समास, चार राहों का समूह,
यानी चौराहा क्या हो जाएंगे आपका द्विगु हो जाएंगे। तीन रात यहाँ बीच में हाइफन लगाए क्या हो जाएगा द्वंद्व होगा, आपका द्वंद्व मार दीजिएगा। रसगुल्ला, रस का गुल्ला क्या हो जाएगा, रस का गुल्ला, रस का गुल्ला यदि तत्पुरुष सबका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारा के सारा प्रश्न आप बिल्कुल अपने से कर सकते हैं, आपके गाइड लिए हैं जो भी लिए हैं आपके पास होगा, आप जरूर क्या करिएगा तो आप जरूर एकदम पूरा समास को बना जाइएगा, और बनाने के बाद यदि कोई भी प्रश्न फंसता है तो कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक कर देना, दूसरा क्या कर देना शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इन सब का PDF के लिए आप टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल राहुल टीच जो भी वीडियो देख रहे हैं इसके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाए, आपको वहाँ पर वीडियो आपको PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है।